अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासिर। लास्ट हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के जो फर्स्ट 4 पार्ट हैं वो कर लिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट। तो बड़ा इजी काम है, कुछ मुश्किल नहीं है। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन की सिचुएशन वो ये है कि x+2, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें कुछ फार्मूले जो यूज़ होने हैं वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एक फार्मूला होता है, a² - b² = a + b और a - b। तो सबसे पहले क्या करना है जी, फर्स्ट वाला जो x+2 है इसको लिख लेना है, और x² - 1 जो है इसको सिंपल हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। x² तो वैसे ही लिखा, 1 का स्क्वेयर करने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं। इधर हमारे पास है जी x+1, ये हमारे पास x² को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब जो हमारे पास जो x+2 है सिंपल वैसे ही आ जाएगा, x² - 1 का स्क्वेयर। तो मेरे पास फार्मूला है a² - b, क्या होता है, फर्स्ट + सेकेंड, फर्स्ट - सेकेंड। तो फर्स्ट हमारे पास है जी x+1 और x - 1, तो नीचे हमारे पास x+1 वैसे ही आ गया, और ये हमारे पास x² - a² 2, तो वही फार्मूला a + b - b, मतलब फर्स्ट + सेकेंड और फर्स्ट - सेकेंड। तो ये प्लस वाला तो कट गया और ये प्लस वाला इससे कट गया, तो ये आ जाएगा x - 1 और x - 2, तो दैट इज़ रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी x² - 4x, इसका 6th पार्ट x² - 4x + 4, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है टू एक्स स्क्वायर माइनस एट। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, इस स्टेप को हम ऊपर कर लेते हैं। हमारे पास जो ऊपर वाला है जो नोमिनेटर है, इसको अगर हम मज़ीद सिंपलीफाई करें या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x² 4 जो है, 4 को हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, और साथ जो x लिखा है इसको ऐसे x ब्रैकेट के अंदर किया, कुछ नहीं है, ब्रेक किया 4 को, 2 × 2 किया, ताकि हमारे पास फार्मूले की फॉर्म बन जाए, तो उसको हम ओपन फार्मूला को क्लोज साइड में ले जाएँ। तो लास्ट में हमारे पास 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁻²। इन दोनों में देखें जी कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया x² 2⁴ = 8, तो इसको वैसे लिख लेंगे। अब ये हमारे पास फार्मूला बना a² - 2ab + b², तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, अगर हम फार्मूला लिखें इधर, तो हमारे पास होता है a - b² 2 = a² + b² - है, तो इधर -2ab। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है फर्स्ट का स्क्वायर - 2ab + सेकेंड का स्क्वायर, तो ये माइनस वाला फार्मूला, तो इस साइड को इसकी कोल भी लिख सकते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट को हम ऐसे लिख लेंगे माइनस के साथ और इसकी स्क्वायर बना देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 2 × x² को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 4 है, इसको 2⁻²² भी लिख सकते हैं। इसको मज़ीद सिंपलीफाई करें तो हम इसको ऐसे x - 1 और x - 2 और x - 2 भी लिख सकते हैं ना, पावर 2 है, तो 1 में हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया इस तरह से। तो नेक्स्ट हमारे पास ये x² - 2², तो वही फार्मूला a + b - b वाला फर्स्ट + सेकेंड, तो फर्स्ट जो ये इससे काट गया, तो x - 2 x + 2, तो ये बस इसका क्या आ गया जी, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब करने जा रहे इसका जी 7th पार्ट। तो हमारे पास है 64x5
एक्स ये करें सिंप्लीफाई। सबसे पहले हमें पता चल रहा है, नज़र आ रहा है, क्वेश्चन बोल के बता रहा है कि 64 इधर भी है इधर भी है, तो हम कॉमन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन दोबारा बोला, उसने कहा कि अगर इधर x 5 इधर x है तो इनमें से भी कुछ कॉमन आ सकता है, वो हमारे पास x है जो दोनों साइड पे है। तो इधर हमारे पास रह गया x 4 माइनस, ये सारे का सारा चला गया, तो इधर माइनस 1 आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये इधर, सॉरी 8x आता है, इन दोनों में देखे तो हमारे पास जो कॉमन आया वो 8 भी था और x भी था। इधर हमारे पास x रह गया और इधर प्लस और इधर सारा चला गया, तो प्लस 1। इन दोनों में देखा तो हमारे पास कुछ कॉमन जो आया वो x प्लस 1 रह गया, और इन दोनों में 2 जो एक जैसा कॉमन हम ले लेंगे, तो इधर हमारे पास आ गया एक्स 4x। अब x 4 जो इसको ब्रेक मजीद करें तो पावर के ऊपर पावर ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 को 2 मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है, तो 1 का स्क्वायर भी करने से कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है, सिंपल वही बात है। तो इधर हमारे पास 8x, इधर 2 है, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इस तरह 16x, और बाकी हमारे पास आ गया x प्लस 1 और x प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई करवा सकते थे, मैंने नहीं किया क्योंकि नेक्स्ट हमें इसको ब्रेक करना होगा, तो पहले हम इसको ऐसे ही रखते हैं। तो x से x कट गया, 16 16 16 4 64। अब ये सिनेरियो वही बन गया ए स्क्वायर में बी स्क्वायर फार्मूले वाला, उसमें क्या होता था फर्स्ट प्लस सेकंड और फर्स्ट माइनस सेकंड, और नीचे हमारे पास जी आ गया x प्लस 1 और x प्लस 1। तो मज़ीद सिंपलीफाई करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वही सिनेरियो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले, इसमें क्या होता है फर्स्ट प्लस सेकंड और फर्स्ट माइनस सेकंड, तो नीचे हमारे पास आ गया एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, तो ये इसे कट गया तो हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर, ये आ गया और नीचे हमारे पास आ गया एक्स प्लस 1। मज़ीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता, तो इसको हमने एंड तक जो है ना इसकी लोएस्ट फॉर्म तक ले गए। अब हमारे पास क्वेश्चन इसका 8 पार्ट, ये आ गया हमारे पास एक फार्मूला है, हमें पता है a माइनस बी अगर हो इसका स्केयर लें तो वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस माइनस है, तो माइनस 2ab, इस पे फार्मूला अप्लाई करना है। तो उससे पहले हमारे पास देखें 9 जो है, एक ये फार्मूला और एक हमारे पास आ गया a स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, साथ साथ फार्मूले भी याद करते जाएंगे तो ज़रा अच्छा रहेगा। तो 9x स्क्वायर को हम ब्रेक करें तो हम लिख सकते हैं 3x होल पावर 2। अब स्क्वायर से मुराद इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा ये इस तरह से। नीचे हमारे पास जो है इसको छेड़ना ही नहीं है, ये सिंप्लीफाई नहीं होता, इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। ये हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला बन रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, तो हमारे पास इसका क्या आता है फर्स्ट प्लस सेकंड इतना हो गया। अब फर्स्ट 3x माइनस माइनस सेकंड माइनस की बात करेंगे तो इधर भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 4 इस तरह से आ गया, तो ये माइनस एक्स स्केयर, ये इसके साथ सेम था तो कट गया। एट द एंड हमारे पास ये इसका आंसर, इसको हम तरतीब के साथ लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख लें जैसे लिखा वो भी ठीक है, तो हमने एक्स स्क्वायर पहले लिखा, एक्स वाले को बाद में रखा, और जो माइनस 4 इसको एट द एंड लिख लिया इसको। तो अब तक के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 4 जो लास्ट 4 पार्ट थे वो कर लिए हैं, इनमें कोई इशू हो तो आप लाजमी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।